हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं जो शिक्षा शास्त्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बार बार आने वाले प्रश्न हैं, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका 10 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक रहेगा। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था, ये क्या उपनयन संस्कार से होता था, या प्रवज्ञा, या विश्मिल्ला, या यज्ञोपवीत से। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने चैप्टर 1 से क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपनयन संस्कार हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि वैदिक काल में जो बालक था, यानी बालक को वहाँ पर क्या कहते थे वैदिक काल में, अंतेवासी। क्या कहते थे स्टूडेंट? अंतेवासी कहते थे। और जब उनको क्या गुरुकुल में पढ़ने के लिए अनुमति मिलती थी तो वो 8 वर्ष के होते थे और उनका संस्कार कराया जाता था उपनयन संस्कार। जब उनका उपनयन संस्कार हो जाता था तब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए अनिवार्य हो जाते थे, यानी पढ़ने के लिए वो एलिजिबल हो जाते थे। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दूसरा नंबर, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु थी, ठीक है। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की जो आयु थी, सेम वैदिक काल की तरह ही थी, उसमें भी 8 वर्ष थे। देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने के आयु में जो उनका कौन सा संस्कार होता था, प्रवज्ञा संस्कार। स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रवज्ञा संस्कार होता था। तब देखिए 8 वर्ष ब्राह्मणों के लिए लागू था, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की आयु में उनका प्रवज्ञा संस्कार होता था, और जो वैश्य होते थे उनका 12 वर्ष के लिए, ठीक है। बौद्ध काल की ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की जो आयु थी वो 8 वर्ष था, यानी दूसरे का गा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, यानी मध्यकालीन समय में जो शिक्षा का केंद्र नहीं था कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। थर्ड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा शिक्षा शास्त्र में 5 ही केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, तो मैं सभी क्वेश्चन को बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी तक्षशिला हो जाएगा, जो कि उस समय क्या शिक्षा का केंद्र नहीं था। तक्षशिला अभी प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट पाकिस्तान में है, जो कि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, जैसे हमारे हिंदुस्तान में पंजाब राज्य है, सेम उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य है, तो उसी में भी तक्षशिला है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का घा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो ये जो प्रारंभ हुई थी डियर स्टूडेंट, ये प्रारंभ हुई थी 1854 ईस्वी में, जो को बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर दिया हुआ है, यानी बुक के हिसाब से इसका स्टूडेंट बताया जा रहा है आंसर 1854 ईस्वी। अब आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये सही है जो बुक वाला है या गलत है, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन अच्छे से आप लोग रिसर्च करके बताइएगा, ये नहीं कि आप पहले ही देखें और डायरेक्ट बता दें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मेरी बताई भी ऑप्शंस गलत होते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं बताता, मैं जो बुक से रिसर्च करता हूं और गूगल पर भी देखता हूं कि जो बुक में दिया हुआ क्या सही है या नहीं सही है, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की, क्या कठोरी आयोग ने, मुदालियर आयोग, सैंडलर आयोग, या राधा कृष्णन आयोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो 5 नंबर का गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारी बातों को सुनिए और क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यही स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पेपर में
पूछे जाएंगे। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बनारस में हुई थी, और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो कि एक शिक्षा शास्त्री भी, इनका भी एक चैप्टर है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी, ठीक है, जिसको अभी BHU के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था, एनी बेसेंट का जन्म क्या इटली में हुआ था? बिल्कुल नहीं। फ्रांस में हुआ था? बिल्कुल नहीं। जर्मनी में हुआ था? बिल्कुल नहीं। लंदन में हुए थे। एनी बेसेंट एक इंडियन ना होकर एक आयरिश थी, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस का रिसर्च आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि अच्छे से एक तैयारी आपकी हो पाए। 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी के जो अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, यानी जो भी मातृभाषा है उनके हिसाब से क्या है, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, शांत निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग बताइए। तो शांत निकेतन की जो स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। शांत निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती भी है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो 9 नंबर का खा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? क्या 1970 में हुआ, 1972 में, 1980 में, या 1975 में? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 1975, राइट आंसर हो जाएगा गा विकल्प का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग क्या जल प्रदूषण का है? बिल्कुल नहीं। मृदा प्रदूषण का है? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। क्या आपका ध्वनि प्रदूषण का है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कैंसर रोग जो है रेडियोधर्मिकता प्रदूषण का है, ठीक है। तो 11 नंबर का गा विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा। अगला विकल्प दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना, जो भारत में पर्यावरण विभाग है ना स्टूडेंट, इसकी स्थापना कब की गई इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है राइट आंसर, क्या राइट आंसर इसमें से हो जाएगा कोई या नहीं होगा, आप बताइए। तो 12 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये घा वाला हो जाएगा, 1 नवंबर 1986 है जो कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था तो 1985 दिखा रहा था स्टूडेंट। अब आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है? सितंबर 1985 दिखा रहा था, लेकिन जो है बुक के हिसाब से 1 नवंबर 1986 दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, देखिए, ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? आप लोगों को पता होगा, जिससे हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं भैया? कानों से। तो कान हो जाएगा राइट आंसर 13 का खा विकल्प। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भैया प्राकृतिक आपदा कौन से है भैया? बाढ़ भी है, सूखा भी है, ठीक है। 14 नंबर का आपका घा हो जाएगा, ये सभी हो क्या है प्राकृतिक आपदा, लेकिन आग जो है स्टूडेंट ये मानवकृत आपदा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, मानवकृत आपदा, ठीक है। भगवान तो ऊपर से कहेंगे ना कि मैं आग की वर्षा कर रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ ये है कि गर्मी बढ़ा सकते हैं, जैसे सूर्य क्या है 45 डिग्री अभी, हालांकि 45 डिग्री जो गर्मियों में क्या है मौसम का हाल था, आप लोग जानते होंगे आपके सिटी में आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी यानी सूखा पड़ जाना ये भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, SSA सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 2000 में, 2001 में, 2004 में या 2005 में, ठीक है स्टूडेंट। तो SSA जो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ ये 2001 में प्रारंभ हुआ था डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 15 जो है आप सभी के लिए 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि हर एक चैप्टर से शायद एक ही क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने चैनल पर तैयार करा रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, एक ही सेकेंड लगेगा। मैं आर्ट्स की जो हमारी स्टूडेंट है मैं पूर्ण रूप से अपने चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग विजिट कीजिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। हमारा आ चुका है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक है, और ये भी एक ही क्वेश्चंस को लिया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है स्टूडेंट, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, बस इसमें क्या है छोटा सा आपको आंसर दे देना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा बस छोटा सा आंसर दे देना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे स्टूडेंट, तो क्या कहते थे, विदुषी कहते थे स्टूडेंट, जो कि प्राचीन यानी किसमें वैदिक काल की बात हो रही, तो विदुषी कहते थे। ठीक है, बस आप लोग इतना लिख देंगे आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर कि बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर कौन कौन से थे, इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमें बौद्धकाल के जो दो मुख्य स्तर के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए दो स्तर थे, एक प्राथमिक, यहाँ पर देखिए प्राथमिक, ठीक है स्टूडेंट, कौन से प्राथमिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर याद रखिए, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ठीक है उच्च शिक्षा, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बौद्ध काल में जो मुख्य स्तर थे वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा थे। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर तीन नंबर कि मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। देखिए मध्यकाल में जो भारतीय समाज में जो स्त्री की शिक्षा थी वो क्या थी स्टूडेंट, वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर देखिए स्त्री की शिक्षा स्थिति जो है अच्छी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छी, अच्छी नहीं थी, यही तो आप लोग समझ रहे कि अच्छी थी, अच्छी नहीं थी स्टूडेंट। ठीक है, मुस्लिम काल की शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपका तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ऐसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि सन 1854, यहाँ पर देखिए 1854 की शिक्षा नीति, इस तरह से देखिए शिक्षा नीति, ठीक है नीति जो है घोषणा, नीति की घोषणा, नीति की घोषणा चार्ल्स, यहाँ पर देखिए चार्ल्स, ठीक है इस तरह से लिख देंगे चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड ने की थी, वुड ने की थी। ठीक है स्टूडेंट, आप इतना लिख देंगे कि सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा चार्ल्स उड़ने की थी, बस क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। पांच नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्रों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में खोले गए विश्वविद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर देखिए कि प्रतिभाशाली जो छात्र है यानी जो प्रतिभाशाली छात्र है उनको उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो प्रत्येक जिले में खोले गए विश्वविद्यालयों का नाम है वो स्टूडेंट क्या है, श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, याद रखिएगा श्री जवाहर, यहाँ पर देखिए श्री जवाहर, ठीक है नवोदय, आप लोगों ने नाम सुना होगा नवोदय, ठीक है नवोदय स्कूल भी काफ़ी सारे होंगे, नवोदय विद्यालय, ठीक है ये विद्यालय खोला गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है एक नंबर इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, इसमें और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है छः नंबर, पूछा गया है कि मालवीय जी का मुख्य नारा क्या था स्टूडेंट। तो मालवीय जी का जो मुख्य नारा था वो वही था हिंदी हिंदू, क्या था हिंदी हिंदू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इनका मुख्य नारा जो था स्टूडेंट ये था, ये देखिए हिंदी, ठीक है हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये इनका नारा था मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है स्टूडेंट, एक नंबर इस पर भी मिल जाएगा आपको। सात नंबर क्वेश्चन है कि द एनिशेंट विजडम किताब के लेखक कौन है। द एनिशेंट, यहाँ पर देखिए इस एनिशेंट विजडम किताब के जो लेखक है वो कौन है, एनिवेशेंट जी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट, कौन हो जाएगा श्रीमती एनिवेशेंट जी, यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं श्रीमती, ठीक है श्रीमती एनी, ठीक है एनिवेशेंट इस किताब की लेखिका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हैं, इतना आपको आंसर लिख देना है, छोटा सा आपको आंसर लिखना है और आपको एक नंबर एग्जामिनर दे देगा। आठ नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी, ठीक है महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा को अपनाया था या महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा की पद्धति को बनाया था, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी, कौन सी शिक्षा, यहाँ पर देखिए शिक्षा पद्धति, याद रखिएगा शिक्षा पद्धति बनाई, यहाँ पर देखिए बनाई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो इनमें से वैसिक शिक्षा पद्धति हो जाएगा राइट आंसर, कौन सी हो जाएगी वैसिक, यहाँ पर देखिए वैसिक शिक्षा, वैसिक शिक्षा
पद्धति हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट, जो कि महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, टैगोर को नोबल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनको जो नोबल पुरस्कार है उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था स्टूडेंट, तो गीतांजलि नामक पुस्तक पर उनको नोबल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुस्तक स्टूडेंट याद रखिएगा, गीतांजलि, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि, जिनको यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार इसी पुस्तक पर उनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया। तो भैया पर्यावरण शिक्षा का दिमागी ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। देखिए वर्तमान समय में जो मैं बात करूं तो पर्यावरण शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना। क्या करना, पर्यावरण, यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण, यहाँ पर देखिए नियंत्रण या नियंत्रित करना, नियंत्रित या नियंत्रित कर लिया, यानी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो प्रदूषण के कई सारे प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण में कह लेता हूँ आपको, ये दिखा देता हूँ, देखिए वायु प्रदूषण, ठीक है स्टूडेंट, एक आपका तो वायु प्रदूषण हो गया, एक आपका जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, जल प्रदूषण सेम इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद में मृदा प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण भी हो गया। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, फिर क्या है रेडियो धर्मिकता प्रदूषण, यानी कई सारे प्रदूषण है, लेकिन विभिन्न यानी ये 4 प्रकार के प्रदूषण आप लोग जब आएगा निश्चित उत्तरीय में लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं के नाम मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बताया था काफी बार, देखिए भूकंप, बाढ़, ठीक है, भूकंप बाढ़, फिर सूखा, उसके बाद में देखिए भूस्खलन, सूखा भूस्खलन, ठीक है, सूखा भूस्खलन, और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, इसके बाद में क्या आपका हो जाएगा बादल फटना, बादल फटना, ठीक है, और सुनामी, ठीक है, सुनामी तूफान, सुनामी तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि और समुद्री लहरें, ये सब क्या है कुछ प्राकृतिक आपदाएं का नाम है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर भी क्वेश्चन बता दिया है, अगला देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 13, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है स्टूडेंट, 11 नवंबर को मनाया, यहाँ पर देखिए मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हर वर्ष जो है भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 11 नवंबर को, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 13 निश्चित उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 13 आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न और 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।